इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि आखिर मौत के बाद क्या होता है। मौत एक ऐसी चीज है जिसका सामना एक न एक दिन हर किसी को करना है, लेकिन क्या होगा अगर हम कभी मरे ही ना और हमारी मौत के बाद भी एक जीवन हो, कैसा सच में संभव है? चलिए जानते हैं। जब बात मौत के बाद वाले जीवन की आती है तब इसके कुछ सबसे पहले सबूत हिंदू धर्म में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार इंसान की सिर्फ बॉडी खत्म होती है जबकि उसकी आत्मा अमर है। 2013 में हुई एक स्टडी के अनुसार करीब 72% अमेरिकन का यह भी मानना है कि मौत के बाद भी एक आफ्टर लाइफ होती है, और रॉबर्ट लेंजर नाम के एक प्रोफेसर ने तो इसको लेकर अपनी एक थ्योरी भी दी है जिसके मुताबिक मौत कुछ और नहीं बल्कि हमारी इमेजिनेशन द्वारा की गई एक काल्पनिक चीज है जिसकी ऐसी कोई एक्चुअल बाउंड्री नहीं है जिससे इसे डिफाइन किया जा सके। और शायद यही कारण है कि मौत रियल ना होते हुए भी हम इसे एक्सेप्ट करने के लिए ट्रेन हो गए हैं। हम सबको पता है कि आसमान का कलर ब्लू है, लेकिन अगर हमारे ब्रेन के सेल्स कुछ इस तरह से चेंज हो जाए कि हमें ये लगने लगे कि आसमान तो ग्रीन था, तो तब रियलिटी को लेकर हमारा परसेप्शन एक फॉल्टी प्रोग्रामिंग हो सकता है। तो क्या आसमान का कलर सचमुच ब्लू है या फिर ये हमारे दिमाग में बन चुकी एक सोच का नतीजा है? क्योंकि अगर ऐसा सच हुआ तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि धरती पर बिताए गए हमारे आखिरी मोमेंट्स कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का इल्यूजन हो, जिसका मतलब है कि मौत के बाद भी हम वापस से जिंदा हो सकते हैं। यही सवाल आता है कि आखिर हम इंसान किस पॉइंट पर आकर जीना छोड़ मर जाते हैं। वेल, इसे समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि मौत एक तरह की प्रक्रिया है जो तभी शुरू होती है जब हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है। जैसे ही हमारा दिल धड़कना बंद करता है तब उसके तुरंत बाद ही हमारी सेंसेस भी बंद हो जाती है, साथ ही हमारी मसल्स की टेंशन भी लूज पड़ जाती है। हालांकि भले ही हमारी सेंसेस और दिल धड़कना बंद हो जाए पर इसके बावजूद भी हम मरते नहीं, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा बल्कि अवेयर नाम की एक स्टडी में ये बात सामने आई है। कार्डियक अरेस्ट के हजारों सर्वाइवर्स को देखे जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, तो हम पाएंगे कि इनमें से कुछ लोगों को तो अपनी मौत के बाद के एग्जैक्ट मोमेंट तक याद है। I felt that I had become separate from my body. यानी कि इन लोगों ने अपने पूरे जीवन के पहले के सभी इवेंट्स को देखा और सुना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है? वेल, हाल ही में मालूम चला है कि इंसान की डेथ के बाद भी उसका ब्रेन लगभग 10 मिनट से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इंसान अपनी दिल की धड़कन रुक जाने के बाद भी शायद डॉक्टर्स द्वारा अपनी मौत की खबर सुन लेता है। वैसे मौत को बिल्कुल करीब से एक्सपीरियंस करने वाले लगभग 9% लोगों ने बताया कि वो मरने के बाद अपनी ही बॉडी के ऊपर फ्लोट कर रहे थे, और वो अपनी बॉडी से एक अदृश्य स्ट्रिंग के जरिए कनेक्टेड थे। जब कोई इंसान मर जाता है तब उसकी बॉडी में रिगोर मोर्टिस नाम की एक प्रक्रिया होती है जिसमें सबसे पहले तो उसकी मसल्स अकड़ जाती है। मसल्स के अकड़ने के बाद बॉडी में मौजूद दूसरे सेल्स काम करना शुरू कर देता है, और अगले 12 घंटों के अंदर इंसान की बॉडी पूरी तरह से शट डाउन हो जाती है। यही वो समय होता है जब उस मरे हुए इंसान की बॉडी के कुछ जीन्स ग्लियल सेल्स नाम के इन्फ्लेमेटरी सेल्स को उत्तेजित कर देता है। ग्लियल सेल्स का मेन काम इंसान के अंदरूनी दिमाग को साफ करना होता है, और जैसे जैसे इंसान की बॉडी ठंडी होती है ठीक वैसे वैसे ये तेजी के साथ एक्सपेंड होते हुए पूरे दिमाग में फैलकर ब्रेन के अंदर मौजूद जीन्स के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब अगला सवाल ये आता है कि अगर हम मर जाए तो क्या हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तब भी हमसे संपर्क कर सकते हैं? जहाँ तक बात इसे करने की है तो जब इंफ्रारेड फोटोग्राफी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब कई लोग अपने किसी मरे हुए करीबी व्यक्ति से बात करने के लिए साधना का प्रयोग करते थे। खैर, जब से टेक्नोलॉजी आई है तब ऐसी फेक बातचीत के बारे में हम बहुत हद तक जान सकते हैं, मगर क्योंकि अभी तक हम मौत के बाद के जीवन को नहीं समझ पाए हैं इसीलिए दुनिया में अभी भी कुछ लोग मर चुके अपने करीबियों से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब हम साबित कर दे कि मौत के बाद भी एक जीवन होता है? अगर हम सच में साबित करने में कामयाब हो जाए तब इस जीवन को लेकर हमारी सभी धारणाएं फीकी पड़ जाएगी। हालांकि मौत के बाद के जीवन को आप जितना स्पिरिचुअल समझ रहे हो ये असल में उतना स्पिरिचुअल नहीं होने वाला, क्योंकि हो सकता है कि मरने के बाद हमें व्हाइट लाइट की जगह कंप्यूटर कोड्स दिखाई दे। दरअसल गूगल का इंजीनियरिंग डायरेक्टर रे कर्जुअल ने प्रेडिक्ट किया है कि हम इंसान बहुत जल्द अपने ब्रेन्स की डिजिटल कॉपी को ऑनलाइन अपलोड कर पाएंगे, और अगर ऐसा सच में हो गया तब हमारा दिमाग तब तक जिंदा रहेगा जब तक सर्वर्स चली नहीं जाती। अब ये कब होगा या फिर होगा भी या नहीं, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर कई लोग मानते हैं कि अगर हमने अपनी कॉन्शियस ऑनलाइन अपलोड कर दी तब इसके बहुत सारे नेगेटिव आउटकम्स निकल कर आएंगे, और ये भी हो सकता है कि इस दुनिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राज चलने लगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मरने के बाद क्या है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।